वो आवाज तुमने सुनी हेनरी? तुम्हारे टेंट में कोई है हेनरी? सही कह रहे हो पीटर, सही पकड़ा। कौन हो सकता है? अभी जाकर पता लगाता हूँ। तुम कितने बहादुर हो हेनरी, मैं भी तुम्हारे साथ आता अगर मुझे डर नहीं लगता। चिंता मत करो मेरे छोटे से भाई, तुम यहीं रुको, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। हेलो, फ्लफी तुम थी? वाओ, असली वाले एलियंस। हाय, मैं हेनरी हूँ। आपका स्पेसशिप बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ? मैं तो सिर्फ नाक साफ कर रहा था। नहीं नहीं, रुक जाओ। मेरे छोटे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको। बोलो बोलो हेनरी, आगे क्या होता है? हाँ, तो जैसा कि आप समझ चुकी होंगी कि मुझे मेरे छोटे भाई की कितनी चिंता थी। अच्छा हेनरी, सच में चिंता थी तुम्हें अपने भाई की, या तुम बिजी हो गए थे दुनिया के सामने इंटरव्यू देने में? नहीं, मुझे तो बस पीटर के साथ बिताए सारे दिन याद आ रहे थे। तो हेनरी, मुझे बताओ इस सब का तुम्हारे होमवर्क से क्या मतलब है? पीटर, तुम ठीक तो हो ना? सब चुप हो जाओ, याद है ना हमने क्या तय किया था? अपना पार्टनर ढूंढो और लाइन में खड़े हो जाओ। अब डांस। वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत अच्छे डांसर्स हो। और अब भूलना मत जो मैंने कहा था, अपनी स्पेसशिप साफ सुथरी रखना। और टाइम आ गया है गुड बाय कहने का। हाँ, याद है ना तुमने कहा था कि हम अर्थ पे वापस जाएंगे, तुम अपना डांस दिखाओगे और फिर तुम हमें शांति से रहने दोगे और वापस चले जाओगे। नहीं रुको। Henry.
हेनरी। सॉरी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, पहले भी मैं एक बार आ चुकी हूँ। एक बार पहले? हाँ, पर सिर्फ एक ही बार। आज भी मुझे याद है, वो लास्ट टाइम किसी सुनामी से कम नहीं था। हाँ, यहाँ बदला लेने आई हो? ओ नो, मैं बदला बदला नहीं लेती, पर बिगड़े हुए बच्चों को सीधा करती हूँ। ओके, आपने बता दिया, मैं समझ गया। पर एक बात आप भी अच्छे से समझ लो। हाँ, प्लीज जल्दी बोलो हेनरी। मैं उस फटीचर पार्क में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, जो मर्जी करो। और अगर तुमने जबरदस्ती भेजा तो क्या कहा तुमने? मैंने कहा जो मर्जी करो, मुझे भी पार्क्स बिल्कुल पसंद नहीं। ओ, सही है। क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? जो मर्जी करो, बस बकबक मत करो और मुझे म्यूजिक सुनने दो। क्या मैं बिस्किट्स खा सकता हूँ और चिप्स? तुम पहले क्यों नहीं आई? ये है असली जिंदगी। मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, चाहे कोई आए या कोई जाए। और अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट, किलर बॉय रैट्स के हेड बैंगर आ रहे हैं आपके नजदीकी पार्क में, खास आपके लिए। क्या? कब? कहाँ? सवाल जवाब बंद कीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आ रहे हैं किलर बॉय रैट्स एक स्पेशल प्रोग्राम लेके, खास आपके लिए। हाँ, हाँ, सुन लिया, लेकिन कहाँ कब? आपके नजदीकी पार्क में इसी वक्त। घर के नजदीकी पार्क में इसी वक्त? वही तो कहा मैंने, और वो ऑटोग्राफ्स भी देंगे। ऑटोग्राफ्स भी देंगे? किस किस पे? हर चीज पर। क्या है आपके पास? उनका लेटेस्ट एल्बम? हाँ हाँ, उनका लेटेस्ट एल्बम। छुट्टी में मजा, मतलब मम्मी पापा की सजा, ये तो मेरा सबसे फेवरेट एल्बम है। भागो, नहीं तो मौका हाथ से चला जाएगा। जल्दी करो, हमें जाना है। तुम, मैं, हम पार्क जाएंगे। कहाँ? हम पार्क जा रहे हैं, घर के पास वाले। जल्दी करो। क्या? इतनी लंबी लाइन, मेरा तो नंबर ही नहीं लगेगा। हे, मेरे लिए रुको। खड़े मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। इसका ख्याल रखना प्लीज। हेडबैंग, मेरा हीरो। हे हेड, यहाँ देखो, इस तरफ मैं हेनरी। अरे, उसने यहाँ देखा भी नहीं। ओए लड़के, चलो पीछे लाइन में चलो। क्या तुम मुझे अपना एक आइसक्रीम दे सकते हो? देखो, उड़ता हुआ डायनासोर। हे, वो मेरा आइसक्रीम है, मतलब उसका आइसक्रीम। ओए, वापस आओ यहाँ बदमाश लड़के। मैं तो गया काम से। अब तो भागना पड़ेगा, ये शायद आपका है। इधर आ लड़के। वापस आओ बदमाश लड़के। देखो, अपनी सारी आइसक्रीम गिरा दी तुमने। पहले ही समझ जाना चाहिए था ये तुम ही होगे। चलो भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें दो चार लगा दूँ। भागो यहाँ से, सिक्योरिटी पकड़ो इसे। देखो यहाँ है वो, यहाँ है वो, पकड़ो उसे।
गुड मॉर्निंग हेनरी। फैंग वापस कैसे आ गया? रात को ये ठीक से सोता नहीं है, है ना? ठीक पापा, इसका मतलब मेरी दूसरी चीजें भी मुझे वापस मिलेगी? नहीं हेनरी, वैसा सोचना भी मत। चलो जल्दी उठो, काफी काम करना है तुम्हें। क्या कर रहे हो हेनरी? मैं तो नाच रहा हूँ कीड़े, दिखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ? तुम अपने खिलौने से खेल रहे हो, मम्मी पापा को पता है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मामा, हेनरी खिलौनों से खेल रहा है। कैसा चुगलीखोर भाई है मेरा। हेनरी, तुम्हें पता है ना कि तुम ये नहीं कर सकते हो? ये भी नहीं, मैं सिर्फ इन्हें ठीक से देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, इन्हें अब मैं ध्यान से देखूंगी। पर तुम इन्हें जरा पॉलिश करो, समझे? हेनरी कहाँ है? वो किचन में है, चम्मच पॉलिश कर रहा है। सच में? लगता है उसे उसमें मजा आ रहा है, इतनी देर हो गई, जरा भी चूचा नहीं की उसने। ये उसे और भी अच्छा लगेगा। हेनरी! है? ओ, तो तुम यहाँ हो, काम कैसा चल रहा है? अच्छा, क्या अब मुझे मेरा थोड़ा सा सामान वापस मिलेगा? नहीं, अभी नहीं हेनरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। थैंक्स पापा, पर क्या मुझे मेरा म्यूजिक सिस्टम वापस मिल सकता है? नहीं हेनरी, कम ऑन बेटे, खोलो इसे। ठीक है, आपने कहा था कुछ स्पेशल होगा। ये स्पेशल है बेटे, ये स्पेशल योयो है। ठीक है, इसके बदले में मुझे मेरे खिलौने दे दीजिए। हेनरी, कम से कम वो गोल्डन वाला। हेनरी, ओहो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि ग्रेट आंट ग्रेटा आज घर आने वाली थी। ग्रेट, जबरदस्त थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पर काम कैसा चल रहा है हेनरी? तुमसे मतलब, भागो यहाँ से सड़े हुए कद्दू और मोटे आलू। वाह, ये तो एक यो-यो है। जैसे मुझे तो पता ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खेलना आता है। अच्छा, तो ये देखो कीड़े। देखा, तुम यो-यो नहीं चला पाए। मैं चला सकता हूँ, ये वाला टूटा हुआ है। नहीं टूटा है। हाँ टूटा है। नहीं टूटा है। पीटर, कितने बड़े हो गए हो तुम। और हेनरिएटा, तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। ओह, चम्मच साफ कर रही हो, कितना मजेदार है ये। मैं जब बच्ची थी तो मुझे बड़ा मजा आता था। पीटर, यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर कुछ बड़े बच्चों जैसा काम करो। और ये लो चॉकलेट्स, जब तुम बड़ों जैसा काम करोगे तो इन्हें खा सकते हो। थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। ओह, तुम्हारे पास तो एक स्पेशल यो-यो भी है। हाँ, पापा ने दिया है मुझे, पर ये चलता नहीं है। जरा देखने दो। ओह, मैं देखा, ये चलता है। वाओ, अब कितनी कूल है, आप तो चैंपियन है। ओह, अरे मैंने अच्छे अच्छों को हराया है और बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती हैं। उन दिनों लड़कियों को कंपटीशन में हिस्सा लेना मना था। अच्छा, तो फिर आपने कैसे लिया? उसमें क्या है, मैंने अपने बाल कैप में छिपा लिए और चली गई। उन दिनों पता है, मुझ जैसा हैंडसम लड़का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक कहा आपने। अगर तुम एक लड़की हो तो क्या हुआ हेनरिएटा, तुम भी एक चैंपियन बन सकती हो। थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। कम ऑन, मैं बनाऊंगी तुम्हें सबसे बड़ा चैंपियन। कूल। वाह, क्या कूल था हेनरी। अब मैं भी अपना एक यो-यो खरीदूंगा, तुमसे भी कूल वाला। राज, ये सुपर कूल है, ये एक स्पेशल यो-यो है। सही है, कल मिलते हैं। तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे हेनरी। हाँ हेनरी, बच्चों को ऐसे खिलौनों के साथ खेलते देखकर बहुत अच्छा लगता है, ना कि सिर्फ जोर जोर से गाने सुनते या कंप्यूटर पर खेलते।
so easy being me. I'm Hard Henry. मुझे शॉपिंग बैग्स उठाना पसंद है, चाहे ये बड़े बैग्स हो या छोटे या मीडियम साइज वाले या फिर तुम क्या उठाने वाले हो हेनरी? एक केला। क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे तो केले पसंद नहीं लेकिन जब केले के छिलके पर से कोई फिसले तो मजा आ जाए। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। क्या इसमें मेरी क्या गलती है अगर इस भोंदू ने सब कुछ गिरा दिया? तुम दोनों इसकी सफाई करोगे, समझे? ये वाला लंच बॉक्स, ये वाटर बॉटल, ओह इसमें तो सब काम की चीजें हैं। अपने रूम की हालत तो देखो हेनरी। क्यों, क्या हुआ? चारों तरफ कचरा पड़ा है, जल्दी साफ करो इसे। एक्चुअली सही कहा, ये तो अब सिर्फ कचरा ही है। वक्त आ गया है सारे नए सामान के लिए जगह बनाने का। आपके नए जूते हैं राजा हेनरी। आपका नया पिचको पिचकारी सुपर 500 राजा हेनरी। और ये आपकी नई नौकरानी राजा हेनरी। ये सब तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं दान करने में विश्वास रखता हूँ। थैंक्स हेनरी, पर तुम्हें ये सब सच में नहीं चाहिए? नहीं, लखपति बनने के बाद तो मेरे पास सिर्फ नए खिलौने होंगे और वो भी हर रोज। पर तुम लखपति नहीं हो हेनरी। हाँ पता है, पर बनूंगा एक दिन मेरे इस लकी। हाँ? नहीं, मैंने घुमा दिया। क्या? मेरा लकी लॉटरी का लकी वाला टिकट कहाँ चला गया? कहाँ जा सकता है? तुम्हारे पॉकेट में तो नहीं? नहीं चूजे, पॉकेट में नहीं है। मिस लवली हमेशा कहती है, सोचो कि तुम कहाँ थे जब तुमने उसे आखिरी बार देखा। मुझे मिस लवली की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? मैं सिर्फ मेरा वो लकी वाला लकी टिकट ढूंढना चाहता हूँ जो मुझे लखपति बना देगा। ओ अच्छा, तो जब आखिरी बार देखा था तब तुम कहाँ थे? मुझे 1,00,000 में कितने चीज बर्गर्स मिलेंगे? गाड़ी में। क्या यार, यहाँ नहीं है। यहाँ भी नहीं है। अब जाने दो हेनरी, मुझे मेरे हैप्पी हिप्पोस पजल में मदद करो। मैं ऐसा घटिया काम क्यों करूँगा? ताकि तुम्हारा ध्यान उस बात से हट जाए कि तुम्हारा लकी लॉटरी टिकट खो गया। थैंक्स आकीड़े, तूने अभी मुझे याद दिलाया मेरे खोए हुए लकी लॉटरी के लकी वाले टिकट के बारे में। सॉरी हेनरी। और तुमने ये भी याद दिलाया कि अब मैं कभी भी लखपति नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरा टिकट। जानता हूँ हेनरी, तुम्हारा टिकट खो गया। सोचो हेनरी, तुम इतने सारे पैसों से क्या क्या कर सकते हो। वाओ। और इसी के साथ परफेक्ट पीटर का स्विमिंग पूल ओपन होता है। ये! तुम भी जीतना चाहते हो तो टिकट ढूंढने में मेरी मदद करो। नो थैंक्स, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। सोचो तो, 1,00,000 रुपए। मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने वो टिकट ढूंढ दिया तो? मेरे प्यारे और दानवीर भाई होने के लिए 1 पूरा रुपया। 1 रुपया? ठीक है, 2। 2 रुपए? चल ठीक है, 3 ले ले, बस लास्ट ऑफर। हाँ चलो जल्दी करते हैं, वो लकी लॉटरी का लकी वाला प्राइस 10 मिनट में अनाउंस होगा। क्या? हाँ, हर रोज सेम टाइम पे होता है। बताएंगे आपको कि कौन जीतेगा हमारे लकी लॉटरी का लकी इनाम।